अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी को किया गया सम्मानित। देश रत्न के नाम होगा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड क्षेत्र के जयप्रकाश उच्च विद्यालय विजयपुर के परिसर में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कराटे के खिलाड़ी आकाश कुमार सिंह को विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रचार कृष्ण कुमार सिंह राष्ट्र सृजन अभियान के राष्ट्रीय सचिव सारण पुलिस अधीक्षक के पिता ललितेश्वर राय पूर्व मुखिया सर राजद नेता हरिंदर सिंह जिला कबड्डी संघ के जिला सचिव मनोरंजन सिंह ने संयुक्त रूप से मेडल व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रचार एवं राष्ट्र सृजन अभियान के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि आकाश ग्रामीण क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जिले का नाम रोशन किया है। हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। जीरादेई से अंकित कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये जो कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था, इनको सम्मानित किया गया था, इन्होंने अपने स्टंट के बारे में बताया, सेल्फ डिफेंस के भी बारे में बताया, इस पर आप क्या कहिएगा? मैं तो काफ़ी प्रभावित हूँ और हम चाहेंगे कि आगे जल्द से जल्द सेशन यहाँ कराया जाए जी, ताकि क्षेत्रीय लोगों को भी लाभ पहुँचे। स्वर से प्रार्थना है कि इनको और ज़्यादा ऊंचाई प्रदान करें ताकि देश और समाज का नाम रोशन हो सके। आप तो कबड्डी के इस जिले के बहुत बड़े ओहदे हैं, आप इस जो चला है इस कार्यक्रम में, इस पे आप क्या कहिएगा, जनता को क्या कहिएगा, बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा? इस बच्चों के लिए खास करके यही कहेंगे कि पहले के ज़माने में कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज के समय में परिस्थिति जो इन्होंने करके दिखाया है तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तभी बनोगे नवाब जी। यह वास्तव में इन्होंने चरितार्थ किया है और इस जीरादेई क्षेत्र का और इस जगह का इन्होंने नाम रोशन किया है, इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई। और सर इन्होंने इनका सम्मान जो किया इसके लिए इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक माननीय श्री कृष्ण सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये कार्यक्रम आप ही के थ्रू कराया गया था और इस पे आप ही द्वारा सब आयोजित किया गया, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए ये कार्यक्रम जयप्रकाश उच्च विद्यालय के द्वारा किया गया और इसमें सबकी भूमिका रही और हम लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है। ये हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे गाँव जवार के हैं और हम सब ईश्वर से यही कामना करेंगे कि ये देश में कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय इनकी ख्याति हो रही है और इन्होंने जो कहा कि यहाँ पर हम बच्चों को भी करेंगे, बिहार में भी प्रतियोगिता कराएंगे, ये हम लोगों के लिए खुशी। और मेरे पिताजी का नाम श्री निर्भय कुमार सिंह है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिछले 11 वर्षों से मैंने 5वीं क्लास की पढ़ाई वहीं से शुरू की थी। छोटे गांव से बिलोंग करते हैं लेकिन हमारा एक सपना है कि कुछ ऐसा करें जहां से कि अपने जिला का, अपने एक पंचायत का नाम रोशन हो। आप लोगों में से मैं भी निकल के गया हूं, हम लोगों को भी ये होता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कुछ करने का, लेकिन जब अगर मुझे वो चीज़ मिली तो मैंने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि हम लोग बस यहाँ सपने देखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे खेलने का मौका मिला, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे मैं वहाँ गया तो मुझे ज़बरदस्ती लेके गया गया कि तुम अच्छा कर रहे हो। तो मैंने, हम तो पढ़ाई करने के लिए गए थे कि हम पढ़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो एक चीज़ रहता है कि लड़के को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, वो सब बिल्कुल एक माता पिता का बिल्कुल एक चीज़ होता है, एक उनका फोकस लाइफ होता है कि मतलब लड़के को आगे चल के कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन फिर मुझे 2 महीने के अंदर अंदर मुझे स्टेट खेलने का मौका मिला। मैंने 2 महीने में बहुत उसके लिए मेहनत किया और 2008 में 6 मई को 2008 में मैंने स्टेट खेला था और मुझे गोल्ड मेडल मिला था वहाँ पे। उस दिन से मेरी इस कराटे लाइफ की शुरुआत हुई थी, जहाँ से मैंने कराटा सीखना एक इंटरेस्ट बढ़ा, एक मनोबल बढ़ा मेरा, जिसके थ्रू मैं फिर 6 महीने बाद नेशनल हुआ तालकटोरा स्टेडियम में, जहाँ पे कि टर्की के, नेपाल के, USA के जो चीफ हैं और फिर ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सभी लोग उपस्थित हैं वहाँ पे भी माता रानी की कृपा से मुझे गोल्ड मेडल मिला। और अभी तक मैंने कम से कम 150 से ज़्यादा नेशनल चैम्पियनशिप खेला है, जो कि गवर्नमेंट नेशनल भी है, प्राइवेट नेशनल भी होता है,
फ्रेंडशिप टूर्नामेंट जो होते रहते हैं, जो अलग अलग एसोसिएशन मिलके कराते हैं, उसमें भी मुझे कम से कम 135 से ज़्यादा गोल्ड मेडल मिला हुआ है। मैंने टोटल 11 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं, जिसमें से कि मुझे 1 सिल्वर मेडल और 10 गोल्ड मेडल मिला हुआ है। मैं 2016 में जब मैं 12वीं कक्षा में था, तो मैं स्कूल फर्स्ट एशियन स्कूल गेम्स खेलने गया था कोलंबो, जहाँ पे कि मुझे 2 गोल्ड मेडल मिला था। और आप सभी को ये जान के खुशी होगी कि एक छोटे से गांव से निकल के जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ तक पहुँच जाना, क्योंकि हम लोग तो बस सपने देखते थे कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन जब मैं वहाँ गया, जब वहाँ पे जाके जब भारत का